तो गाइस जैसे कि आप सभी को याद होगा कि इसके पहले वाले पार्ट में मैं शिनचैन और चॉप जाते हैं कैंपिंग के लिए। वहाँ पर शिनचैन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है खाई में। उसके बाद सुपरमैन आके उसे बचा लेता है और हम सब लोग मिलके जाते हैं टोनी के घर पे। और वहाँ पर जाके हम लोग देखते हैं सुपरमैन के 200 इयर्स, जिसमें हमें पता लगता है कि सुपरमैन और बैटमैन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो दोनों जन क्राइम मिटाने में तो लगे हुए थे, पर दोनों के तरीके अलग थे। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे विलन लेक्स लूथर की, जो इन दोनों को आपस में लड़वाना चाहता था, क्योंकि उसे सुपर हीरोज बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, खास करके सुपरमैन। इसलिए वो बैटमैन को अपने टीम में शामिल करने की कोशिश करता है, पर बैटमैन उस चीज के लिए मना कर देता है। और उसी के बाद से हमारे ब्रूस वेन मतलब के बैटमैन को उस पर शक हो जाता है और वो एक पार्टी के दौरान उसके घर की तलाशी लेता है, जहां पर उसे एक मैप मिलता है और वो उसकी मदद से पहुंच जाता है क्रिप्टोनाइट के पास, जो कि लूथर ने छुपा कर रखे थे ताकि वो सुपरमैन को मार सके। अब बैटमैन को ये बात पता चल जाती है और वो वहाँ से सारा क्रिप्टोनाइट गायब कर देता है। और दूसरी तरफ हमारा सुपरमैन, जिसे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ की गवर्नमेंट उससे नफरत करती है। अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्या लेक्स लूथर का प्लान चौपट हो गया? अरे क्या हुआ टोनी, मशीन बंद क्यों कर दी? इतना अच्छा चल रहा था यार सब कुछ, कितना इंटरेस्ट आ रहा था, जल्दी चालू करेगा? फिर मुझे लेट हो जाएगा, शाम होने के बाद घर पर भी जाना है। और रुको रुको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे एक जन का कॉल आया था, वो भी यहाँ पर आने ही वाला है, हमें बस थोड़ी देर उसका इंतजार करना है। अभी कौन आने वाला है? सब लोग तो है यहाँ पर, और वैसे भी सुपरमैन की स्टोरी में उसका क्या काम? काम है, तुम अभी नहीं जानते, जब वो यहाँ पर आएगा तो तुम्हें अपना पता चल जाएगा, तुम बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। अबे यार क्या मुसीबत है गाइस, पता नहीं कौन आने वाला है, उसके वजह से पूरी स्टोरी रुक गई है। अब तो इंतजार करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, पर फाइनली मैं पहुँच ही गई। यहाँ तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। और फ्रैंकलिन कैसे हो? बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। वंडर वुमन, तूने कब से बोल रहा है कि आने वाला है? कम से कम ऐसा ही बोल देता कि आने वाली है। पर एक मिनट, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? आज तो सुपरमैन की स्टोरी का दिन है ना, इसलिए तो आई हूँ। मेरे बिना तो वो स्टोरी अधूरी है। क्या मतलब तुम्हारा? जैसे सुपरमैन की स्टोरी में बैटमैन का मेजर पार्ट है, वैसे ही मेरा भी एक छोटा सा रोल है, पर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये क्या बोल रही हो तुम? अभी तक हमने कितनी स्टोरी देख ली है, तुम कहीं पर भी नहीं दिखी थी। इस वाली में मैं जरूर दिखूंगी, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ओह गाइस, मुझे लगता है मजा डबल होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, तो अब जल्दी से चालू करो, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में कहीं पर निकलना है। पूरी स्टोरी खत्म होने से पहले मैं निकल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो जाओ तुम भी जाके अपनी जगह पकड़ लो, फिर जल्दी से इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ, पर अगर मैं बीच में गायब हो जाऊँ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है ना। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो गाइस, अब तो वंडर वुमन भी आ चुकी है और वो बोल रही है कि वो भी इस स्टोरी में, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाओ और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं सुपरमैन के 200 ईयर का पार्ट 2। वह बैटमैन को सारे क्रिप्टोनाइट चुरा के लग रहा था कि उसने लेक्स लूथर का सारा प्लान बर्बाद कर दिया है, पर क्या ये सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? और अब उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए एक नई चीज मिल चुकी थी। कैसे हो दोस्तों, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पर तुम हो कौन, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। तो अभी जान लो, मेरा नाम लेक्स लूथर है और मुझे तुमसे कोई काम नहीं, तुम्हारे पति से काम है। मुझसे तुम्हें क्या काम है? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है, और अब मैं तुम्हारे तो क्या, किसी के भी कोई काम नहीं आ सकता। तुम मेरी हालत देख सकते हो। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि ये सब कैसे हुआ। सुपरमैन और जॉर्ड की लड़ाई में बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, उनमें से तुम भी एक हो। और अब बस बहुत हो गया, अब समय है बदला लेने का। तुम मेरे साथ चलोगे और कोर्ट में सुपरमैन के खिलाफ बयान दोगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर सुपरमैन को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। देखो, बयान तो तुम्हें देना ही होगा, या तो सीधी तरीके से चलो या फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बॉस, अभी इन्हें बताता हूँ। अब बोलो, बयान दोगे या नहीं? अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। अगर हाँ कह दोगे तो सुपरमैन तुम्हें मार देगा, और अगर ना कहोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करना, मैं बयान देने के लिए रेडी हूँ, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। ये हुई ना बात, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, इसे हमारे साथ ले चलो, और ध्यान रखना कि कोर्ट की तारीख तक इसे कुछ हो ना, और पीछे से इसकी पत्नी को मार देना। अब
जल्दी से घर पर जाता हूँ। अभी तक तो बैटमैन आके जा चुका होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसे वहाँ किस लिए बुलाया था। वाह जरा देखो तो सही, बैटरिंग, इसका मतलब बैटमैन यहाँ आके जा चुका है। बेचारा, उसे लग रहा होगा कि उसने क्रिप्टोनाइट ढूंढ लिए, पर उसे ये नहीं पता कि मैं ही ऐसा चाहता था। अब मेरे प्लान के हिसाब से मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे बैटमैन खुद उन क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन को मार देगा। लेक्स लूथर ने सुपरमैन के खिलाफ बयान देने के लिए गवाह ढूंढ लिया था और बहुत जल्दी ये बात गवर्नमेंट को भी पता चल चुकी थी। जितना लेक्स लूथर सुपरमैन से नफरत करता था उतना ही गवर्नमेंट भी करती थी। उनके हाथ एक मौका लग चुका था जिससे वो सुपरमैन को यहाँ से निकाल सकते हैं। सर मेरी बात सुनिए, हमें गवाह मिला है जो सुपरमैन के खिलाफ बयान देना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा मौका। हाँ हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये केस हम लोग जीत गए तो सुपरमैन को ये प्लेनेट छोड़ के जाना होगा और ऐसा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जो करना है करो, पर याद रखना ये मौका हाथ से ना जाए। हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। वो हमारे कामों में बहुत टांग अड़ाता है, मुझे उससे नफरत है। बस आप चिंता मत करिए, उसे तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। ये केस अब पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। सुपरमैन तो गया इस बार, आपसे परसों मिलता हूँ जीत के, कल ही कोर्ट की डेट है। लेक्स लूथर और गवर्नमेंट पूरी तरीके से लग चुके थे सुपरमैन को बर्बाद करने में और इस प्लेनेट से भगाने में, पर क्या ये उसमें कामयाब हो जाएंगे? क्या लेक्स लूथर यही चाहता है? क्योंकि आज ही वो दिन है जिस दिन सुपरमैन का बयान आने वाला था, उस चीज पर जो तबाही उसने मचाई है जोर से लड़ाई के टाइम पर। आज फैसला किसके हक में होगा? क्योंकि यहाँ पर ना तो सुपरमैन गलत है और ना ही वो आदमी गलत है जिसने अपने पैर खोए हैं। सुपरमैन बयान देने वाला है, ये खबर आग की तरह फैल गई और वहाँ पर बहुत सारी मीडिया जमा हो चुकी थी। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी। वहाँ पर मीडिया के साथ साथ वो गवाह, मिलिट्री वाले और शहर के लोग भी मौजूद थे। पता नहीं मेरे खिलाफ किसने केस किया होगा, मैंने तो किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी गलती तो मैं मान लूंगा और अगर नहीं होगी तो जिसने ही किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है यही वो है जिसके पैर मेरे वजह से चले गए हैं। ये दोस्त मुझे माफ कर दो और मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, अगर मेरी गलती है तो मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं मानने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार भी करते हैं तो बहुत सारे लोग नफरत भी। ये प्लेनेट मेरा नहीं है, ये मुझसे पहले आप लोगों का है, तो अब फैसला भी आपका ही होगा। आखिरकार सुपरमैन यहाँ पर पहुँच ही गया है और वो उस गवाह के बाजू में ही खड़ा है। यही मौका है, जल्दी से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता हूँ, फिर आएगा असली मजा और बूम बाम बूम, वहाँ जितने लोग थे सब के सब मरेंगे और सबको लगेगा कि सुपरमैन को बयान नहीं देना था इसलिए उसने सबको मार दिया। और ये खबर तो टीवी पर चल रही होगी अभी। लेक्स लूथर अपने प्लान में कामयाब हो रहा था, वो यही चाहता था। उसने गवाह के चेयर के नीचे एक बॉम्ब लगा रखा था जिसके वजह से वहाँ पर रहे सारे लोगों की जान चली गई और अब ये पूरा मामला जाने वाला था सुपरमैन के ऊपर, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि सुपरमैन की गलती थी इसलिए उसने सबको मार दिया। लेक्स लूथर ने ये सब इसलिए किया था ताकि ये चीज बैटमैन को पता चले और बैटमैन गुस्से में आके सुपरमैन को मार दे। चलो मेरा काम तो हो गया, अब बहुत जल्दी ये न्यूज टीवी पर दिखाई जाएगी और इसे बैटमैन देखेगा और जैसे ही वो उसे देखेगा वो क्रिप्टोनाइट से कोई ना कोई हथियार बनाएगा और जाके सुपरमैन को मार देगा। सुपरमैन अब तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, इस बार तो तुम गए। नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये अर्थ को क्या हो गया है? यहाँ पर इतनी सारी लाशें क्यों है? इन लोगों को किसने मारा होगा? ये तो इसी शहर के थे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया बर्बाद होने वाली है, पर ये सब किसने किया होगा? वहाँ पर कुछ लोग हैं। मेरी बात सुनो, अपने आप को बचा कर रखो, या कोई तो है जो लोगों को मार रहा है। नहीं, ये कौन कर रहा है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये इसका ही काम होगा। सुपरमैन, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मुझे इसे कैसे भी करके रोकना होगा। इसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है और अब ये बच्चे कुछ लोगों को मार रहा है। कोई नहीं बचेगा, मैं सब खत्म कर दूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। नहीं सुपरमैन, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये किसकी आवाज थी? नहीं, तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ये क्या, मैं एक सपना देख रहा था? ऐसा लग रहा था ये सब हकीकत है। ये अलर्ट किस चीज का है? पक्का कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से जाके न्यूज देखता हूँ। चैन से सोना है तो जाग जाओ, आज सुपरमैन का केस था पर उसने कोर्ट में सारे लोगों को मार दिया है। किसी को नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, पर लोग कह रहे हैं कि वो बयान से बचना चाहता था। सुपरमैन, अब तो तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं, तुमने ये बहुत गलत किया है। बैटमैन को वो सपना आना,
ऊपर से ये न्यूज। अब बैटमैन के दिमाग में सुपरमैन के लिए और भी ज्यादा नफरत भर चुकी थी। वो बस उसे मारना चाहता था, जैसा कि लेक्स लूथर ने सोचा था। उसका प्लान पूरी तरीके से कामयाब हो रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या बैटमैन सुपरमैन को मार देगा या फिर लड़ाई में बैटमैन मारा जाएगा? क्योंकि आप लोग तो सुपरमैन को जानते ही है, वो किसी फौलाद से कम नहीं। पर ये बात तो बैटमैन को भी पता है कि वो सुपरमैन को नहीं हरा सकता, सीधे सीधे तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो क्रिप्टोनाइट उसने चुराए थे उनकी मदद से उसने एक सूट तैयार किया जो कि सुपरमैन को हरा सकता था। सुपरमैन थोड़े से भी क्रिप्टोनाइट के सामने बेबस हो जाता है। इस सूट में तो भर भर के वो था। चलो आखिरकार ये सूट तैयार होने ही वाला है। सुपरमैन मैं आ रहा हूँ। वो कोट वाले हादसे के बाद सुपरमैन अंदर से टूट चुका था। लोग सुपरमैन से नफरत करने लगे थे, इसलिए सुपरमैन कुछ दिनों के लिए सुपरमैन बना ही नहीं, वो क्लैंट क्लार्क के ही अवतार में रहा। वो यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आया था ताकि अपने मन को थोड़ा शांत कर सके। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो सुपरमैन ने नहीं किया था। जाके मॉम से थोड़ी बात कर लेता हूँ, मेरा मन हल्का हो जाएगा। मम्मी मैं घर पर आ गया हूँ। मम्मी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मम्मी रसोई में भी कोई नहीं है, आखिर में मेरी मम्मी कहाँ पर गई? मॉम आप कहाँ पर हो? देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ, यहाँ पर भी नहीं है। एक मिनट, वो क्या वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई है, ये लिखा क्या है इसमें? तुम्हारी माँ मेरे पास है, अगर उनकी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से लोकेशन पर आ जाओ, अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो तुम्हारी माँ को ऊपर पहुंचा दूंगा। लेक्स लूथर उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ। उसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी? आज तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला मैं। उसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी उस लोकेशन के पास पहुंचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक जो हो रहा है उसने ही किया हो? लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ। वो रहा वो, लेक्स लूथर मैं आ चुका हूँ। आज तो तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया तुम्हें जवाब देना होगा। रुक जाओ इतनी जल्दी, थोड़ा सब्र कर लो। और मुझे कुछ करने से पहले मुझे लगता है तुम्हें ऊपर देख लेना चाहिए। बेटा बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे बचा लो। उन्हें छोड़ दो लूथर, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? ना तुम इसे बचा सकते हो और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को। तुमने एकदम सही सुना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास ही है। गलती से भी यहाँ अपने माँ के पास आने की कोशिश मत करना। इस क्रेन में बॉम्ब लगे हुए है, जैसे उस गवाह को उड़ाया था वैसे ही तुम्हारी माँ को भी उड़ा दूंगा। मुझे पता था ये तुमने किया होगा, तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे? इन्हें छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम एक सुपर हीरो हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझसे दुश्मनी लेने के लिए। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो जाओ और जाके बैटमैन को मार दो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी नहीं है पर मेरी तो है ना? जाओ और जाके उसे मार दो या फिर अपनी मम्मी और गर्लफ्रेंड को खो दोगे। नहीं ऐसा मत करना प्लीज। तो फिर रुके क्यों हो? एक बार में समझ नहीं आता, क्योंकि ना ही तो मैं इंतजार और ना ही मजाक के मूड में हूँ। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना, मैं उसे हरा कर आऊंगा। मैं उसे तुम्हारे पास लेके आऊंगा। इसने तो मेरी मम्मी और गर्लफ्रेंड दोनों को ही किडनैप कर लिया है। मुझे बैटमैन को ये बात बतानी पड़ेगी, मैं उसे मार नहीं सकता, उससे जाके बात करनी होगी। जल्दी जल्दी जाता हूँ उसके पास। वो रहा, बैटमैन मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। ये सारी बातें गलत है, प्लीज तुम मेरी बात को समझो। तुमने जो किया बहुत ही गलत किया है, तुम्हें इसका पछतावा होगा, आज तुम्हारी मौत है। पर मेरी बात को सुनो, ये सब मैंने नहीं किया, ये करने वाला कोई और ही है, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये किसने किया है। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें जो कहना है कह लो, तुम पहले से ही ऐसे हो। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, पर वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें छोड़ा हुआ था। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम दोनों एक जैसा काम करते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग है। तुम लोगों को मार देते हो जैसे कि तुमने आज कोर्ट में सबको मारा। यहाँ पर आओ, आज तो तुम गए। रुक जाओ बैटमैन, मुझे मजबूर मत करो। मैंने तुमसे कहा ना ये सब मैंने नहीं किया, इसके पीछे किसी और का हाथ है। मुझे नहीं पता तुम उसे जानते हो या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने जो किया गलत किया और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है, उनके घर बार थे, उनके बच्चे थे, तुमने उनसे उनकी जिंदगी छीनी है और इसका अर्जना तुम्हें भरना पड़ेगा। प्लीज बैटमैन रुक जाओ, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें मारने के लिए। प्लीज ऐसा मत होने दो, फिर मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हें नुकसान पहुँचा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, पर ये मेरी मजबूरी हो जाएगी। तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ये लो, ये क्या हो रहा है मुझे? तुम्हारे पास क्रिप्टोनाइट है, तुम बहुत गलत कर रहे हो बैटमैन। मुझे माफ कर देना, पर मुझे तुम्हें दूर भगाना ही होगा। बहुत गलत कर दिया तुमने। इसके पास क्रिप्टोनाइट कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैटमैन मुझे मारने आया है, इसकी वजह लेक्स लूथर तो नहीं है? अब मैं समझ गया उसका प्लान, वो हम दोनों को लड़वाना चाहता है। बैटमैन मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत गलत चीजें हो रही है, रुक जाओ। मैं नहीं रुकने वाला, तुम्हें
उपयोग करना ही करो। मैंने ठान लिया है या तो तुम जिंदा बचोगे या तो मैं। एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसके बाद भले मुझे मार देना। मुझे तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी। ये लो और अब ये खाओ। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये तो अनर्थ हो जाएगा। बैटमैन मेरी बात सुनो, रुक जाओ, उसने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें अभी क्या रुकना होगा? बैटमैन प्लीज रुक जाओ, इसमें सुपरमैन की कोई गलती नहीं है, ये सब लेक्स लूथर ने किया है और मेरे पास उस चीज के सबूत है। ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा है कि सुपरमैन ने वहाँ लोगों की जान ली थी। बहुत सारे लोगों की मौत की वजह है ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुपरमैन तो वहाँ पर माफी मांगने गया था और लेक्स लूथर ने उस गवाह के नीचे बॉम्ब लगा दिया था और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सब लोग वहाँ पर मारे गए और सबको लगा कि ये चीज सुपरमैन ने की है। उसके बाद तुम सुपरमैन को मारने आ गए और उसका प्लान कामयाब हो गया। वो यही चाहता था कि वो तुम दोनों को आपस में लड़वा सके और उसने ये कर दिखाया। तुम दोनों बेवकूफ बन गए। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं लूथर को छोड़ूंगा नहीं, उसके वजह से मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है अभी तक। सुपरमैन मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर देना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे कब से यही कहने की कोशिश कर रहा था पर तुम उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। कोई बात नहीं, देर है, दुरुस्त आए, हमें लेक्स लूथर को ढूंढना होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। वो कुछ तो बड़ा करने वाला है, मुझे महसूस हो रहा है, मैं बहुत सारी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब समय आ चुका है, इन लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे प्लान बी की शुरुआत करनी पड़ेगी। ए दोस्तों, कैसे हो, जरा यहाँ पर देखो, सोचा तुमसे आके मुलाकात कर लूं। तो कैसी चल रही है फाइट? ये क्या, अभी तक तो तुम तीनों ही जिंदा हो, पर कोई बात नहीं, अब नहीं रहोगे। लूथर, तू तो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, तुझे क्या लगता है ऐसा करके तू बच गया? इसे छोड़ना मत बैटमैन, आज तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। वाह वाह वाह, तुमने तो एक टीम बना ली, पर ये टीम तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जब वो तुम्हारे सामने आएगा तुम सब बच्चे हो उसके सामने। जिसे बुलाना है बुला लो, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लूथर तुम क्या करने वाले हो, जो भी कर रहे हो वो अभी रोक दो, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है वो जो भी चीज है वो ओवर पावर है। अगर वो यहाँ पर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। छोड़ो सुपरमैन, ये नहीं समझेगा, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। नहीं बैटमैन, अगर उसने वो कर दिया तो बहुत अनर्थ हो सकता है। ऐसा भी क्या करने वाला है ये, अब तो मुझे चिंता होने लगी है। तैयार हो जाओ दोस्तों, तुम्हारे सामने एक चीज पेश करता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हेलो, मेरी बात सुनो, उस चीज को रिलीज कर दो और सारी पावर्स एक्टिवेट कर देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये किस चीज की बात कर रहा है। आप सभी को तो पता ही है, लेक्स लूथर उस शिप पर काम कर रहा था जिसमें सुपरमैन आया था। वहाँ पर उसने एक ऐसी एनर्जी का पता कर लिया है जिससे सुपरमैन को ताकत मिलती थी, और उसी एनर्जी की मदद से उसने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया है। ये क्या, वो तो भाग गया, अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमें उसका पीछा करना चाहिए। नहीं, वो भागा नहीं है, उसने एक पावर को आजाद किया है जो कि बहुत खतरनाक है। ये तुम क्या बोल रहे हो, एक मिनट, ये कौन है? ये डूम्सडे है, इसे भी वही से ताकत मिलती है जहाँ से मुझे मिलती है, और इसकी पावर समय के साथ बढ़ते रहती है। ये तुम क्या बोल रहे हो, ये लूथर ने क्या किया? अगर हमने इसे नहीं रोका तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं आजाद हूँ। सुपरमैन, बहुत सारे बदले बाकी है जो मुझे तुमसे लेने हैं। तैयार हो जाओ, इस दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है। अब ये क्या बला है, इसे कैसे रोकेंगे हम लोग? रोकोगे तब ना जब तुम लोग बचोगे। ये लो, तुम्हारी जान तो आज मेरे हाथों जाएगी, ये लो और ये खाओ। यहाँ पर आओ अमेज़न की शिकारी, अब तुम्हारी बारी है। तुम मेरे जैसे होकर भी मेरे जैसे नहीं हो, क्योंकि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम सब गए मेरे हाथ से। अरे बाप रे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसे कैसे रोकूं। ये इन दोनों को मार देगा, मुझे इन दोनों को बचाना होगा कैसे भी करके। डूम्सडे, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये लो और ये खाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये प्लेनेट हमारा नहीं है, तुम यहाँ पर तबाही नहीं मचा सकते। तुम्हारी ताकतों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, ये लो। हम तीनों को मिलकर लड़ना होगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, आउच आउच, ऐसे तुझे हम तीनों को मार देगा, उसके बाद पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। हम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, मुझे कुछ और करना होगा, कुछ और सोचना होगा। ये लो, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे अपने शिप से और पावर लेनी होगी, तब तक इसे उलझा के रखता हूँ। और अब ये लो और ये भी लो, तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से, ये खाओ। अरे नहीं, ये तो सीधा आ रहा है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, ये ले। जो करना है कर लो सुपरमैन, पर जान तो जाएगी, सबकी जाएगी। मेरी ताकत बढ़ रही है, तुम जितनी पावर का इस्तेमाल मुझ पर करोगे उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी बढ़ेगी। अरे नहीं, ये तो सच बोल रहा है, इसकी ताकत तो बढ़ रही है, मुझे महसूस हो रहा है बहुत अजीब सा। रुक जाओ, चाहिए तो मेरी जान ले लो, इन दोनों को छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो दोनों भी मेरे रास्ते के बीच में आए थे, उनको भी मरना होगा, ये खाओ। अरे बाप रे,
कुछ और सोचना होगा, मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। बैटमैन, वंडर वुमन, सुनो मेरी बात, हम इसे ऐसे नहीं हरा सकते, इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। वाह, बहुत जल्दी पता चल चुका है तुम्हें, हमें कुछ और करना होगा। पर हम लोग करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई रास्ता है। नहीं है, इसके पास भी वही ताकत है जो मेरे पास है, पर हम इसे जितनी बार मारते हैं उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। मुझे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करना होगा और इसे इतनी ज्यादा पावर देनी होगी जिससे इसमें पावर ओवरलोड हो जाए और ये वहीं पर फट जाए। वो आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। तुम तो गए अब। येलो, वाह क्या बात है, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। बैटमैन मेरी बात सुनो, हमने उसे हरा दिया है, अब इस धरती को कोई नुकसान नहीं होगा, हम जीत गए। सुपरमैन, सुपरमैन, ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, फिर से खड़े हो जाओ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? तुमने इस पर क्रिप्टोनियन का इस्तेमाल किया था, उसके बाद इसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया जिससे इसकी जान चली गई है। हमें पूरी दुनिया को बताना होगा सुपरमैन ने इस धरती को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ये एक हीरो है, सबका हीरो, इसने अपने जान के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। हमें लेक्स लूथर को पकड़ना होगा। अब यहाँ पर खुशी और दुख की बात एक साथ हो गई। वहाँ डूम्सडे मर गया जिससे कि ये दुनिया सेफ हो गई थी, पर दूसरी तरफ हमारे हीरो की जान चली गई और लोगों को भी पता चल चुका था कि सुपरमैन ने इस अर्थ को बचाया है, और वहाँ पर लोगों की जान लेक्स लूथर ने ली थी। लोगों के मन में सुपरमैन के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। वहाँ पर पूरी शान से सुपरमैन का फ्यूनरल किया गया। बैटमैन और वंडर वुमन भी अपने नॉर्मल अवतार में आए थे ताकि वो सुपरमैन को श्रद्धांजलि दे सके और किसी को पता भी ना चले। वहाँ पर उस दिन बहुत सारे लोग आए हुए थे, पूरे शहर से। लोगों ने सुपरमैन को गलत समझा था, इस चीज का पछतावा सबको था। अब जो लोग सुपरमैन से नफरत करते थे उन्हें भी उस पर प्यार आने लगा, और लेक्स लूथर को हो गई जेल। पर लेक्स लूथर ने जेल में आने से पहले ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे जेल में भेज के बहुत बड़ा तोप मार लिया, पर उन्हें क्या पता कि कौन सी मुसीबत उनकी तरफ आएगी। बहुत जल्दी ही वो लोग धरती पर पहुंच जाएंगे। ओ भाई साहब, एक चीज तो मुझे समझ में ही नहीं आई, अगर सुपरमैन मर गया था तो वो मेरे सामने कैसे खड़ा है? ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। क्यों नहीं भाई, मैं तैयार रहूंगा, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अरे हाँ, आपने एकदम सही कहा। शिनचैन चॉप, मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे, हमें घर पर जाना है। चलो गाड़ी में तो बैठ गया। अरे रुको, मैं भी आ गया हूँ। गाइस यार, क्या आप लोगों को भी जानना है कि सुपरमैन वापस जिंदा कैसे हुआ? अब मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि जल्दी से पार्ट 3 कमेंट करो, क्योंकि वो इस सीरीज का पार्ट है ही नहीं, वो पूरी कहानी अलग है, मैं आपको जल्दी किसी दिन सुनाऊंगा।